होजाइन कभी नहीं चाहेगा कि माइनक्राफ्ट की ये तीन सीक्रेट गेम्स के बारे में तुम्हें पता चले। अगर इस गेम के बारे में तुम्हें पता चल गया तो तुम माइनक्राफ्ट को कभी नहीं खेलने वाले हो। तो हमारी गेम स्टार्ट होती है इस तरीके से और यहाँ पे प्लेयर आपको स्टीव देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो या कोई सर्वर ज्वाइन करना चाहो तो वो भी ऑप्शन है इसमें। और इसके कंट्रोल्स भी बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसे ही है। यहाँ पे तुम लोगों को हर एक फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने एक मोड भी लगा के खेल सकती हो। इस गेम को तुम आराम से खेलो, ये तुम्हारे डिवाइस में जरा सी भी लैग नहीं करने वाली है। और इस गेम के ग्राफिक्स भी भाई सब काफी ऑसम है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक मॉब्स देखने को मिल जाएंगे तुम्हारे को। और इस गेम को मैं काफी देर से खेल रहा हूँ भाई साहब, मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिला यार, इसलिए ये गेम मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इस गेम की डाउनलोड लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन है। और ये इसकी इन्वेंटरी जो कि काफी ज्यादा ऑसम है, इसमें हर एक आइटम में देखने को मिल जाएगा तुम्हारे को, हर एक टूल देखने को मिल जाएगा जिससे तुम पूरी फीलिंग ले सकते हो भाई साहब माइनक्राफ्ट वाली। तो अब बार ये इसके नेदर पोर्टल को ट्राई करने की। एक बार इसके नेदर पोर्टल में आ चुके और देख सकते हो भाई साहब तुम कितना ज्यादा अमेजिंग है भाई, हर एक चीज यार मैं क्या ही बोलूं तुम्हारे को। एक बार तुम खुद इस गेम को ट्राई करके देखो। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। और दोबारा से हम आ चुके नॉर्मल वर्ल्ड में, और अगर तुम्हारे कोई कॉपी गेम्स का नाम पता है तो फटाफट कमेंट कर दो। और नंबर 2 पे जो गेम आती है वो है ये वाली। इस गेम का नाम है लोकी क्राफ्ट 2024। अब भाई साहब इस गेम में मैं बताने वाला हूँ तुम्हारे को क्या क्या अमेजिंग चीज है। सबसे पहले मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो, जो आपके पास मोड जो आप माइनक्राफ्ट में यूज करते हो सारे के सारे मोड इसमें भी यूज कर सकते हो तुम लोग। यहाँ पे तुम इस गेम में तुम्हारे को सारे के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे तुम लोगों को जो माइनक्राफ्ट में देखने को मिलते हैं। और इस गेम में प्रॉपर माइनक्राफ्ट जैसे मंथली अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये गेम बिल्कुल एडवांस लेवल बन जाती है। एक बार जैसे हमारी गेम स्टार्ट होती है तो तुम देख सकते हो कितना ज्यादा रियलिस्टिक है भाई साहब इसका स्काई, इसका फॉग, हर कुछ एकदम रियलिस्टिक है जो कि माइनक्राफ्ट से काफी ज्यादा अच्छा है। और इस वाली गेम की भी इन्वेंटरी देख सकते हो काफी ज्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसे। इसमें भी फिर तुम्हारे को सारे के सारे आइटम, सारे के सारी टूल्स वगैरह हर एक चीज आपको माइनक्राफ्ट जैसे देखने को मिल जाएगी इसमें। और इसका नेदर पोर्टल भी भाई साहब एकदम अमेजिंग है। और यहाँ पे काफी सारी एक्सप्लोर करने के तुम्हारे पास चीजें हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले तुम्हारे को वार्डन दिखा देता हूँ। अब मेरे को कोई भी बता दो भाई साहब ये माइनक्राफ्ट से अलग लग रहा हो तो भाई साहब बिल्कुल रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट लग रहा है। नंबर 3 पे जो गेम आती है भाई साहब वो है ये वाली। अब यार ये गेम सबसे अलग गेम है, ये बिल्कुल माइनक्राफ्ट से अलग है। और जो अभी से पहले जो गेम्स देखी थी तुमने ये उससे भी अलग है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी मैं तुम्हारे को सब बताने वाला हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो बिल्कुल इसका यूआई तो माइनक्राफ्ट जैसा है, लेकिन अब अलग क्या है वो गेम स्टार्ट होने में पता चलेगा तुम लोगों को। ओके तो हमारी गेम लोड हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हो तुम इसके कंट्रोल्स बिल्कुल अलग है, यहाँ पे इसकी बायोम्स बिल्कुल अलग है। हाँ थोड़ी माइनक्राफ्ट जैसी है बट इसके अगर तुम टेक्सचर देखोगे तो वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे स्ट्रक्चर तुम्हारे को माइनक्राफ्ट से बिल्कुल अलग देखने को मिलने वाले हैं। और इसकी इन्वेंटरी भी बिल्कुल माइनक्राफ्ट से अलग है, मतलब सारे के सारे आइटम्स तो तुम्हारे को मिलने वाले हैं लेकिन यहाँ पे तुमको कुछ भी उसके साथ टेक्सचर देखने को नहीं मिलने वाला। इसके मॉब्स भी बहुत हद तक अलग है माइनक्राफ्ट से। यहाँ पे मैं तुम्हारे को एक बार एंडर पोर्टल भी बना के दिखा देता हूँ। ये है इसका एंडर पोर्टल भाई साहब, वैसे काफी ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो काफी अजीब गरीब और अलग से मॉब्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तुम्हारे को सबसे खतरनाक चीज दिखाता हूँ, ये है ओपन चेस्ट, मतलब नेदर चेस्ट भी बोल सकते हो एक तरीके से तुम इसको। अगर इस गेम में भाई सब लूट भी दे देता ना इस वाली चेस्ट के अंदर तो मजा ही आ जाता। ओके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इन दोनों में से जो आपको वीडियो अच्छी लगे फटाफट उस पर क्लिक करो।